आप लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे कि आका ने वीडियो बनाना छोड़ दिया है? पर भाइयों, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छा करने के लिए वक्त तो लगता ही है। आप लोग ने टाइटल में तो देख ही लिया होगा, अनबॉक्सिंग माय यूट्यूब प्ले बटन। पेश करता हूँ आप लोग को मेरा यूट्यूब का प्ले बटन। नमस्ते, बड़ों को प्रणाम और बाकी सबको आका का प्यार। हो जाए शामिल मेरे इस अनबॉक्सिंग के लाइफ एडवेंचर में। कितना मज़ेदार मेरा ये यूट्यूब का प्ले बटन, ये कवर देख लीजिए। तो अब मैं इस प्ले बटन को निकालता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। टन टन, बहुत मुश्किल से मैंने बनाया ये प्ले बटन। इसमें मैंने यूट्यूब का सारा प्ले बटन से डालने की कोशिश की है। सिल्वर, गोल्ड, डायमंड स्टड्स, रूबी और ब्लू, और इसमें और कुछ भी है जिसके लिए मुझे लाइट बंद करके आना पड़ेगा। तो मैं लाइट बंद करके आता हूँ। डिस्को आप लोग वो प्ले बटन सोच रहे होंगे जिसे YouTube देता है, पर मेरा तो सिर्फ 20 सब्सक्राइबर्स है। हाँ, मैंने बहुत मेहनत की है ये वीडियो बनाने के लिए। पूरा का पूरा प्ले बटन बनाया है और ये क्लिकबेट वीडियो बनाने की कोशिश की है जिससे कि मुझे व्यूज़ आ जाए। पर ये सिर्फ व्यूज़ आने के लिए नहीं था, मुझे सब्सक्राइबर्स भी मिल जाए, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। और इसका अगर मैं टॉपिक रखता 20 सब्सक्राइबर्स एंड अनबॉक्सिंग माई होम मेड प्ले बटन, तो शायद सब्सक्राइबर्स नहीं आते। मैंने सिर्फ होम मेड हटा दिया टाइटल से और इसका टाइटल रखा 20 सब्सक्राइबर्स एंड अनबॉक्सिंग माई प्ले बटन, ना कि माई सिल्वर प्ले बटन ना गोल्ड प्ले बटन। तो जो जो लोग ये वीडियो देखने आए हैं ये सोच कर कि अरे आका को प्ले बटन मिल गया, बढ़िया है, तो उनका पूरे दिल से धन्यवाद है मेरा। और जो जो ये सोच कर है अरे 20 सब्सक्राइबर्स और इसको प्ले बटन मिल गया, उनका भी पूरे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि वो लोग मेरे चैनल में आए हैं, वो लोग की वजह से ही मेरा चैनल का व्यू बढ़ेगा। तो उनको मैं गुजारिश करता हूँ कि वो मेरे बाकी वीडियोस को भी देखें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरा चैनल आकाश लाइफ एडवेंचर, लाइफ और एडवेंचर के बारे में। मैं इसमें बहुत सारे वीडियोस डालता हूँ, तो आप देखिए इस चैनल को, इसमें बाकी वीडियोस भी है, और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए और मुझे फिर प्ले बटन बनाने की ज़रूरत ना पड़े घर में, और सचमुच का प्ले बटन यूट्यूब से मिल जाए। तो आप लोग को दिखाता हूँ मैंने ये प्ले बटन कैसे बनाया है। प्रेजेंटली आई एम गोइंग टू यूज दिस इक्विपमेंट, दिस। तो आप लोगों को ब्रीफ आइडिया देता हूँ मैंने ये ट्रायंगल शेप कैसे निकाला है। मेरे पास प्रोटेक्टर नहीं था और ये एज तो एक सीधा एज यहाँ पे मिल गया हम लोग को। सो ये दो एज कैसे निकाला था, सो मेरे पास ये रूलर है, रूलर से मैंने 1 to 9 का मेजरमेंट्स लिया 8 सेंटीमीटर्स का हुआ। सो 8 सेंटीमीटर्स ऐसे किया और फिर 8 सेंटीमीटर्स इधर से लिया, तो ये जो पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है। तो अब मैं बाहर जाके आपको इसको काटूंगा कैसे। सो इसको काटने के लिए मेरे पास ग्लास कटर तो नहीं है, डायमंड का ग्लास कटर चाहिए होता है, तो इसको काटने के लिए मैं ये यूज करूंगा। आफ्टर 5 मिनट्स आप देख सकते हो, तो सो आफ्टर कटिंग इट फॉर 15 मिनट्स आई हैव रीच्ड टिल दिस मच। यू कैन सी वन साइड इट हैज बीन लिटिल बिट मोर एंड द अदर साइड आई हैव कट लिटिल बिट,
बट द प्लान इज फेल्ड बिकॉज दिस पॉइंट हैज बीन शिफ्ट। यहाँ पे टुकड़ा निकल गया, इस तरफ से टुकड़ा निकल गया, यहाँ पे भी टुकड़ा निकल रहा है। सो आई थिंक ग्लास वोंट वर्क, आई हैव अ प्लान बट आई गेट इट एंड आई शो यू। मेटीरियल चेंज, सो दिस इज द न्यू मेटीरियल बट आई थिंक आई विल डू अ बिग चेंज इन प्लान बिकॉज मैं सोच रहा था कि उस टाइम एक ट्राइंगल करके ट्राइंगल शेप बनाएंगे और उसको एक पीस में लगाएंगे ना, पर यूट्यूब का बटन तो बटन के शेप में होता है, ऐसा शेप में, और बीच में ट्राइंगल रहता है, तो अब ऐसा ही करना पड़ेगा क्योंकि वो तो यूट्यूब का बटन नहीं हुआ ना। सो आई थिंक अभी साइज ठीक लग रहा है, और जैसे कि साइड साइड में यूट्यूब का प्ले बटन का कर्व रहता है, वैसे मैंने कर्व भी काट लिया। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा प्ले बटन का आउटलाइन आ गया है, पर इस बार मैंने डिफरेंट टेक्निक यूज़ किया। यहाँ से टोटल इसको मार्क किया, उसके बाद 1.5 mm छोड़ा मैंने, और ये 7 सेंटीमीटर्स का निकल गया, ठीक है, एग्जैक्टली मेजरमेंट में आया था। तो उसके बाद क्या किया कि मैंने यहाँ से भी 7 सेंटीमीटर्स का मार्क लिया टोटल ये छोड़कर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर्स लिया, उसका हाफ पॉइंट लिया और इसका हाफ पॉइंट लिया, और एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद यहाँ से जब मेजरमेंट किया तो जहाँ पे जाकर 7 सेंटीमीटर्स का पॉइंट आ रहा है वहाँ पे जाकर वो पॉइंट मार्क किया, तो ये भी 7 एग्जैक्टली आ गया और यहाँ पे भी 7 सेंटीमीटर्स एग्जैक्टली आ गया। सो एंगल भी इसका 60 60 60 डिग्रीज में रहेगा। ओके, सो मैं आउटलाइन बाहर का रेड पेंट कर रहा हूँ अभी, अभी ये प्लास्टिक के ऊपर है, सो मैं ये कह नहीं सकता श्योरिटी से कि ये सब कलर्स इसमें स्टेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर तो कलर रहता नहीं है ना, फिर भी पेंट करने के बाद जब सूखेगा तभी पता चलेगा, मोस्ट प्रॉबली रहना चाहिए क्योंकि मैं फुल कलर विदाउट वाटर यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले मैं इसको रेड पेंट करूँगा और उसके बाद मैं बाकी कलर्स पेंट करूँगा। तो एकदम मेरे को यहाँ पे एकदम अच्छी तरह से मार्क करके करना है, ऐसे तो ब्लैक के ऊपर रेड दिखेगा नहीं, फिर भी सो आप लोग को अगर ध्यान में आ रहा हो तो मेरा ये वॉच आप लोगों को पता है, तो अगर जिन जिन को पता नहीं तो इस वॉच का एक थोड़ा सा डिटेल वीडियो मैंने 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो बनाया हूँ, कार्ट ऊपर में आ रहा होगा, आप कार्ट में देख लीजिएगा, जाके जरूर देखिएगा इस वॉच के बारे में। तो अभी के लिए ये पेंट हो गया, अभी ड्राई नहीं हुआ है, तो थोड़ी देर इसको मैं सूखने के लिए रख देता हूँ, उसके बाद फिर आगे की बातें आपको करके दिखाऊंगा। सो आ रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ से देखिए ये जा नहीं रहा, ये फस में किया था ना मैंने, तो ये अभी छूने पर भी थोड़ा बहुत ड्राई है, थोड़ा बहुत निकल गया, पर इसको छूने का काम जरूरत नहीं है मेरे को, कोई जरूरी नहीं है, सूख जाए और हो सकता है एक और कोट कर लूँ मैं इसके ऊपर, तो थोड़ी देर सूख निकले और मे बी रेस्ट। सी यू। मेजरमेंट्स 1.4 सेंटीमीटर्स का, सो परफेक्टली 1.4 मार्क किया। अब इसको मैं यहाँ से यहाँ तक का इस पॉइंट को लेकर मैं लाइंस वगैरह ड्रॉ करूँगा, तो इक्वली 5/5 में डिवाइड हो जाएगा। सो आप लोग देख सकते हैं कि नहीं पता नहीं, मेरे को थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है, मार्किंग मैंने वो एंगल में कर लिया है। सो अब सिल्वर प्ले बटन का, सिल्वर यहाँ पे है, सिल्वर इसको ऐसे करके खोल लिया। सो पेंटिंग, जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं फिर से एक और डबल कोट करने की कोशिश करूंगा। सिल्वर दिख रहा है आप लोगों को? सो फॉर नाउ अभी मेरा सिल्वर प्ले खत्म हो गया, तो अभी गोल्ड का टर्न आ गया, मैं गोल्ड कर रहा हूँ। सो आप लोग देख लीजिए गोल्ड सेम वे पेंटिंग। सो थोड़ा सा इसमें
अब फ्लैश ऑन कर देते हैं क्योंकि मेरे को लाइट की जरूरत पड़ेगी। जो मैं कर रहा हूँ वो मैं अपलोड कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि ये सक्सेसफुल होगा तभी तो अपलोड कर पाऊंगा ना, अगर सक्सेसफुल ही नहीं हुआ तो मैं अपलोड भी नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों को तब तक थोड़ा सा एक झलक दिखाता हूँ मेरा न्यू कलेक्शन में वॉच में। ये रेडियम वॉच है, तो इसको अभी मैं फ्लैश में किया और फ्लैश ऑफ करके देखते हैं इसमें दिखता है कि नहीं। सो ग्लो कर रहा है, ठीक है, न्यू कलेक्शन आया है, बस अभी 2 ही दिन हुआ है। सो गोल्डन भी हो गया। सो मैंने जैसे कहा कि मेरा गोल्डन और सिल्वर का तो हो गया, तो यहाँ पे डायमंड आएगा तो मैं इसमें डायमंड स्टड करूँगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, पर वो सब ये सूखने के बाद खाली करूँगा। तो उसके पहले मैं अब यहाँ पे मेरा रूबी रेड है, तो रूबी रेड कैसे करूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, ट्राई करता हूँ, होता कि नहीं मेरे को भी पता नहीं, पर इस रेड में हल्का सा वाइट कलर, माई डिफरेंट काइंड ऑफ प्ले बटन, यूट्यूब प्ले बटन। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों को बोल ही दिया ये प्ले बटन क्यों बन रहा है, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर्स, मेरा वेल विशर्स मुझे उतना लाइक भी नहीं है मेरे चैनल में, सब्सक्राइबर्स तो बढ़ते नहीं, जिन जिन का मैं खुद अपने हाथ से मोबाइल छीन के सब्सक्राइब बटन दबाता हूँ वही सब्सक्राइबर्स हो जाते, बाकी तो होते नहीं। इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ये क्लिक बेट है जिसमें व्यूज आएंगे, मुझे पता है लोग सरप्राइज हो जाएंगे, अरे 20 सब्सक्राइबर्स और यूट्यूब प्ले बटन, वैसे करके जरूर व्यूज आएंगे। तो मैं उनको फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि मेरा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने देखा है वो लाइक करके उसके बाद सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो ये एक क्लिक बेट वीडियो है, जो देखने वाले बहुत लोग होंगे इस वीडियो को, मुझे पता है। तो उसके बाद देखकर आप लोग जरूर लाइक करेगा, जरूर सब्सक्राइब करेगा, मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, कितना कोशिश कर रहा हूँ, दिमाग लगा रहा हूँ। सो रूबी रेड, सो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जो जो देख रहे हैं वो लाइक करिए, उसके बाद सब्सक्राइब करिए, और सब लोग कहते हैं ये टारगेट वो टारगेट, उन लोग का तो 50,000 60,000 सब्सक्राइबर्स है, कि वो लोग बोलते हैं मेरे आज वीडियो में 40,000 लाइक होना चाहिए, 6 आवर्स में, 5 घंटे में, 6 घंटे में। मैं वैसा नहीं बोलूँगा, मैं कोई टारगेट नहीं रख सकता हूँ क्योंकि मेरा तो छोटा चैनल है अभी, बस मैं यही बोलूँगा कि आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए, जो जो लाइक कर रहे हैं कमेंट करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। सो रूबी रेड खत्म हो गया, अब ब्लू का कलर है, सो ये ब्लू कलर यहाँ पे है, सो फाइनल ब्लू। मेरा कोशिश ही है कि मैं ठीक पेंट लगा के रख दूँ। ब्लू भी खत्म, सब इसको मैं सूखने के लिए रखूँगा, उसके के बाद मैं इसके ऊपर डायमंड और डायमंड स्टड्स करूँगा। सो तब तक के लिए अब इसको दूर रख। सो नाउ आई विल शो यू हाउ आई मेक द एक्सटर्नल एक्सटीरियर कवर ऑफ दिस वन। सो ये बाहर का कवर कैसे बनाऊंगा, तो मैंने थोड़ा सा मेजर करने के लिए, मैंने पहले देखने के लिए कि होगा कि नहीं, इसलिए मैंने उसको कर लिया। तो अभी आप देख रहे हैं ये सिंपल पेजेस है, थोड़ा सा हार्ड पेजेस है जो कार्डबोर्ड की तरह है, और मैंने यहाँ पे एजेस ले लिया। तो अब इसको मैं स्टिक करूँगा, ऐसे गम से स्टिक कर दूँगा। अब इस साइड का थोड़ा सा ख़राब दिख रहा है अभी तो, पर फिर भी मैं उसके ऊपर पेपर लगा लूँगा, ठीक है। पेपर लगा के इसको भी स्टिक हो जाएगा, ये भी स्टिक हो जाएगा, सेलो टेप से स्टिक करने से भी हो जाएगा, गम से स्टिक करने से भी हो जाएगा, और इसको भी ऐसे स्टिक करूँगा।
तो ये भी ऐसे स्टिक हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये एक कार्डबोर्ड की तरह फॉर्म हो जाएगा, समझ रहे। तो इसको मैं करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। सो यूजिंग सुपर ग्लू और से फेविक्विक, आई होप इट विल स्टिक इट। इसको अभी स्टिक करने के बाद देख लीजिए, सो ये कम्प्लीटली बॉक्स की तरह लग रहा है। अभी यहाँ पे फ्लैप जैसा बनाने का है, यहाँ पे भी फ्लैप जैसा बनाने का है और पेपर से कवर करना है। Got it. So now my box for making the cover, which also like this. Yeah, but it will be covered full black and YouTube will be written here. So I'll make that full now. After that only I'll show you, not the interior process. That's just painting and writing. I'll place white paper maybe on top. I'll stick white paper on top. On top of that I'll paint. तो मेरा ये बॉक्स में अब मैं इसको वाइट से कवर करूंगा, जैसे मैंने उस टाइम बोला था। तो ये सामान वगैरह यही है इसको कवर करने के लिए। इसको कवर करने के बाद इसको ब्लैक पेंट करेंगे, और ब्लैक पेंट करने के बाद फिर उसमें यूट्यूब का जो सिंबल लोगो वगैरह रहता है, अनबॉक्सिंग का जो कवर रहता है उसका, उसमें तो वो सिंबल लगाएंगे। तो अभी के लिए आप देख सकते हैं ये मेरा प्ले बटन थोड़ा बहुत, तो ठीक है। वाइट को यहाँ पे लगाना है ऐसे करके। तो फर्स्ट में मैं गम लगाता हूँ, इस जगह पर पहले लगा लेंगे गम। दिल में नहीं लगाने का गम, पेपर में लगाने का है गम। तो ये अभी जैसा हुआ है तो थोड़ा सा यहाँ से चिपक गया है। अब यहाँ पे भी गम लगा लेते हैं और इसको भी चिपका देते हैं, ये जिसको मैं टेयर करके थोड़ा थोड़ा चिपका दिया है। इसको ऐसे करके चिपकाएंगे और इसको इसके ऊपर से ऐसे लेकर आकर इसमें भी चिपका देते हैं, और सिमिलरली इस जगह को भी चिपका लिया। थोड़ा सा प्रेस करके रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, सूखने के लिए रख देते। अभी नेक्स्ट स्टेप पेंट करना है, और अभी पेंटिंग तो इसके ऊपर नहीं हो सकता है, तो इसको साइड में कर देते हैं। अब मैं आपको इसके ऊपर डायमंड स्टड्स का ट्राई करता हूँ और दिखाता हूँ उसके बाद। सो डायमंड स्टड्स के लिए मेरे पास ये साइन देख सकते हैं आप, कितना साइन आ रहा है। तो इसका मैं जो पार्ट से इसको मैं अब डायमंड स्टडी में यूज करने वाला, तो इसको चलिए ऐसे निकाल देते हैं। ये जो है ये पीस का सब बाहर में रहेगा, क्योंकि आई थिंक ये थोड़ा सा बड़ा है। सो बाहर बाहर की तरफ करते हैं। इसके लिए एक और सामान चाहिए मुझे, कोशिश करता हूँ इससे होता है कि मेरे हाथ में तो आने हो। एक को निकाल के देखते कैसे निकलता है। ओके, सो वन पीस गोइंग हियर। सो इस तरफ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले से यहाँ पे मार्क थे। सो यहाँ पे ये एक पॉइंट, फिर ये दूसरा पॉइंट,
इस टाइप का पहले से मार्क हो चुका था, क्योंकि वो पेंट करने के लिए मेरे को यूज करना था, मेरे को पॉइंट मार्क करना ही पड़ा था। तीसरा पॉइंट और उस तरफ का भी आप देख सकते कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से इसका इसके बीच में आएगा, क्योंकि वो मेरा डायमंड प्ले बटन का स्पेस था। इसको भी खोल दिया हमने और यहाँ पे अब मैं इसको लगा के आपको दिखाऊंगा। सो मेरा प्ले बटन ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब इसके ऊपर में यहाँ से एक बॉडी कवर आएगा जिसमें लिखा होगा प्रेजेंटेड टू आकाशदीप बाय आकाशदीप, क्योंकि ये यूट्यूब से तो प्रेजेंट नहीं हुआ, सो इट्स विल बी प्रेजेंटेड टू आकाशदीप बाय आकाश। सो नाउ एज यू कैन सी ये मेरा सूख गया है, पर थोड़ा सा यहाँ से ये रेड कलर दिख रहा है, फिर भी इसको ब्लैक पेंट कर दूंगा। ऐसे मेरे को पूरा ब्लैक पेंट करना है ना, तो इसको ब्लैक पेंट करूंगा और इसको ब्लैक पेंट करूंगा तो शायद हो जाएगा। ये ऐसे मैं इसको आपको दिखाने के टाइम में फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा। अभी मेरा एक साइड का ब्लैक पेंटिंग हो गया है। डूइंग माय सेकेंड कोट रेड ऑन दिस वन। सो इसका भी हो गया ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे YouTube लिखना है और ये रहा प्ले बटन, इसको भी आप देख पा रहे होंगे। सो ठीक है, अभी इसका बॉडी बनाना है तो मैं अब इसका बॉडी बनाना शुरू करता हूँ। तो इसको साइड में रख देते हैं और बॉडी के लिए क्या करना है मैं थोड़ा बहुत पीसेस जो है काटने के बाद आपको दिखाता हूँ। सो मेरा ये नीचे और ऊपर का बेस बन गया है। अब इसके यहाँ पर ऐसे बीच में ये YouTube लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, और नीचे की तरफ में तो बेस रहेगा उसका, आप देख लेंगे क्या रहेगा उसमें। सो अभी करते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। सो एट प्रेजेंट आप सर्किट देख सकते हैं, यहाँ पे ये सर्किट है और इसको मैंने इस तरीके से बंद किया है, और ये कवर यहाँ पे इसके ऊपर में ये आएगा, पर इसके नीचे भी एक थोड़ा सा प्लेट जैसा तो आएगा, ऊपर से ये आ जाएगा। सो यू कैन सी माई यूट्यूब लोगो ऑन माई डिलीवरी बॉक्स इज कम्प्लीट, ऑलमोस्ट कम्प्लीट। देर आर सम पॉइंट्स आई हैव टू मार्क विथ ब्लैक, बट आई हैव टू वेट for this white part to get over dried. So just doing a wristwatch check, this is my Seiko in radium in silver stripe, and previously I had shown 2 days before which I was wearing. This is the Seiko golden. So just now I finished writing this. Finished product. Solar charging. तो अंत में आप लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। ये वीडियो लंबा था और इस वीडियो को बनाने के लिए भी मुझे 5 दिन के आसपास लगा था। तो ये पूरा का पूरा वीडियो अगर मैं बनाता तो 2-3 घंटे का वीडियो था, पर इसको एडिट करके इतना बनाया। ये वीडियो मैंने बनाया था जिससे कि मुझे व्यूज़ मिले, और जो व्यू करने आते हैं उनको मैं रिक्वेस्ट कर सकूं कि मेरा चैनल भी है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो आप लोगों से गुजारिश है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया वो लोग लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग कमेंट भी कर दीजिए कि आप लोगों को इस वीडियो में क्या पसंद आया। और ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा बाकी वीडियोज़ को भी जाके देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। फिर मिलूँगा मैं आप लोगों के साथ नए किसी चीज़ के साथ, नए कोई एडवेंचर के साथ। तो आप लोग मेरा चैनल आकाश लाइफ एडवेंचर को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके आप लोगों का प्यार और ऊपर वाले का प्यार। ओवर एंड आउट।